हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ कटहल की सब्ज़ी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है और बनाने में बहुत ही इजी है। इसको आप रोटी या चावल के साथ खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया कटहल, मैंने इसको काट के धो लिया है और एक मीडियम साइज़ के आलू को काट लिया है, दो मीडियम साइज़ के प्याज का बारीक काटे हुए और लहसुन के पेस्ट, अदरक पेस्ट एक एक चम्मच। मसालों में मैंने लिया है 3 लौंग, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 इलायची, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च, गरम मसाला, नमक और तेज पत्ता। मैं इसको सरसों के ऑयल में बनाऊंगी। पहले मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दिया है, कढ़ाई अभी गर्म हो रहा है। मैं इसमें डाल दूंगी सरसों का ऑयल। मैंने 2 बड़े चम्मच सरसों का ऑयल लिया है। अभी ये ऑयल गर्म हो चुकी है। पहले मैं इसमें डाल दूंगी कटे हुए आलू। ये आलू को मुझे फुल हीट में थोड़ी देर फ्राई करना है, 2 से 3 मिनट। मैं इसमें थोड़ा हल्दी पाउडर ऐड कर दूंगी। अच्छे से इसको हिला के फ्राई कर लूँगी। मेरा आलू फ्राई लगभग हो चुकी है, अभी मैं इसको निकाल दूँगी। मैंने सारे आलू को निकाल दिया है। मैंने इसी ऑयल में डाल दिया 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 इलायची, 1 तेज़पत्ता और 3 लौंग। अभी इससे खुशबू आने लगी है। मैं इसमें डाल दूंगी कटी हुई प्याज। अभी प्याज को थोड़ी देर जलाना है, हल्का ट्रांसपेरेंट हो जाए तब तक प्याज को भूनना है। मैंने प्याज को भून लिया है। अभी इसमें डाल दिया लहसुन का पेस्ट, फिर अदरक का पेस्ट। मैं तीनों को अच्छे से मिला लूँगी। सब कुछ अच्छे से पक गया है, थोड़ा फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर। फिर से मैं मिक्स कर रही हूँ। अभी गैस के हीट को मैंने थोड़ा कम कर दिया है ताकि मसाला ना जले। इसको अच्छे से चलाना है। अभी मैंने इसमें मिर्ची पाउडर डाल दिया है। आपको अगर ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं इसमें कटहल डाल दे रही हूँ। कटहल और मसाले को अच्छे से मिलाना है। अभी स्वादानुसार नमक, सब कुछ मिक्स कर दूंगी वापस। इसको अच्छे से चलाना है। अभी मैंने इसमें ऐड कर दिया फ्राई किया हुआ आलू। अभी आलू को भी मसाला लग जाए ऐसे अच्छे से सब इसको हिलाना है। इसको अच्छे से चला लिया। अभी थोड़ा पानी ऐड कर दिया। वापस पानी और मसाला सारा अच्छे से मिक्स हो जाए ऐसा इसको मिला दूंगी। मैंने इसमें 1 कप जितना पानी यूज़ किया है। अभी इसको ढक के मैं 10 मिनट के लिए पकाऊंगी। 10 मिनट हो गया है, देखिए पानी लगभग सूख गया है, ये एकदम सिम किया हुआ था। अभी मैं चेक कर लूँगी कि सब्ज़ी पक गया कि नहीं।
कटहल हमारा अभी तक कच्चा है, आलू भी कच्चा है, इसको वापस 10 मिनट के लिए पकाना है। अभी मैंने इसमें और 1 कप जितना पानी मिला लिया, इसको 8 से 10 मिनट तक ढक के पकाऊंगी। 8 मिनट हो गया है, अभी वापस से इसको चेक कर लूँगी। हमारा सब्जी अच्छे से बॉयल हो चुकी है, अभी इसको वापस चला दूँगी अच्छे से। गैस के हीट को फुल कर दिया मैंने, अभी इसमें गरम मसाला ऐड कर देती हूँ। गरम मसाले के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ये ज़्यादा ग्रेवी वाला अच्छा नहीं लगता है, ये हमारा सब्जी लगभग बन के रेडी हो गया है। मैं इसको अभी सर्विंग बाउल में शिफ्ट कर रही हूँ। हमारा कटहल की सब्जी बनके तैयार है, खाने के लिए बिल्कुल रेडी। देखिए कितना अच्छा बना है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू।